अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक, फटाफट फिट फाट। आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आपके भाई को तकरीबन 4-5 साल पहले यार मैं पबजी गेम जो है वो खेलता होता था, लेकिन अब आपके भाई ने जो है वो दोबारा गेम का सोचा कि शुरू करते हैं, थोड़ा सा शुगल मेला लगाते हैं। आज मैंने गेम डाउनलोड की है, मैंने ये गेम को एक दफ़ा खेल के देखी है, अभी समझ नहीं आ रही थी क्या बन रही थी। बहरहाल जो भी है, अहमद के साथ मैं खेलने लगा हूँ TDM। तो मेरा YouTube के ऊपर फर्स्ट पबजी गेमिंग का व्लॉग होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी अहमद को बुलाते हैं गेम के अंदर, उसके साथ एक TDM खेलते हैं, उसकी बहुत अच्छी गेम है, देखते हैं क्या बनती है। मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, साथ साथ रहिएगा। और इस व्लॉग में एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगी, अब वो पता नहीं किस जगह पर होगी, इसलिए पूरा व्लॉग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे अगली वीडियो से रिलेटेड वो अनाउंसमेंट होने वाली है। लो जी, गेम हो गई है भाई जान शुरू। चल खुल जा भाई जान, पता नहीं कितना अरसा हो गया खेले एक हॉबी जब ये TDM शुरू। आ जरा गुजर, हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दे। रख, हवाई फायरिंग करूंगा ताकि अहमद साहब को पता हो कि मैंने गेम खेलनी है, हवाई फायरिंग करके मैं आ रहा हूँ अहमद साहब की तबाही उतारने के लिए। बड़ा शुरू हो गई है गेम, नहीं शुरू ही अब हुई है। चलो कोई नहीं, अब शुरू हुई है तो फिर क्या हुआ, बेचो अहमद पुत्र जरा कितने। अहमद ने मुझे कहा था कि एक फायर करके ना बता देना कि लोकेशन कौन सी थी, क्योंकि दो बंदे खेल रहे हैं तो बंदा मिलता नहीं है। इसको फायर अब मैं करूं कि ना करूं, सोच ही बड़ा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, कितने चल गया। शायद अब इसको पता लग गया मैंने फायर। ओ सामने सामने सामने, ए मारूंगा मारूंगा। ओए मेरी बैटरी अचानक लाइफ इतनी लो किस तरह हो गई है, अब पे आ जाता है। गुजर ने वाई फायर किया था ना, अब अपने आप को ही बजने लग गए। अब नहीं छोड़ूंगा मैं अहमद साहब, आ रहा हूँ अहमद को बताता हूँ ना मैं। अब अहमद जो वड्डा प्लेयर बना फिर, वैसे खेलता बहुत ज़्यादा, मैं तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं शायद भी मामला हल हो जाए। पै गई यार, ये खुद ही लेट गया मेरा हाथ, असल में ना कंट्रोल मेरे मतलब के नहीं है, जाहिर सी बात है इतने टाइम के बाद खेला, कंट्रोल्स वही पुराने वाले, पता नहीं कितना गए हैं, फिर मार गए वही पुराने वाले कंट्रोल्स हैं। इन कंट्रोल्स को इसके बाद सेट करूंगा, फिल वक्त इनके साथ ही गुजारा करता हूँ। यार मैं स्कोप खोल के खेलता तो पता नहीं किस तरह, अब स्कोप की भी ट्राई करता हूँ क्या बनती है। पहले अहमद को एक अद्धा फायर तो यार मेरा बजना चाहिए, तो सांस ही नहीं बिल्कुल भी लेने दे रहा। ये आया ये आया, ओह अहमद साहब तो मुझे सांस ही नहीं लेने दे रहे, पता नहीं मेरे ना की करेगा। कोई नहीं सांस ही नहीं लेने दे रहा, तो मैंने स्कोप की प्रैक्टिस करनी है। अंदर गुस्सा फिरता है टेंडबे के, बाहर निकल बाहर निकल, छुपके ना खेल मेरे साथ, इसका मैं देखना बुरा हाल कर दूँ। यार मैं इतने टाइम के बाद खेल रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो ये मैं इतनी सी खेल रहा हूँ ये भी बड़ी बात है। वो गायब हो गया जादू, ये तो कोई मिल गया बन गया। ओहो करो यार, एक किल हो गया बड़ी मुश्किलों से, 4 किल्स के बाद 1 किल आपके भाई ने कर लिया। अब नहीं मैं छोड़ूंगा, अब तो इसका हाल मैं बुरा करके रहूँगा, देखना सही। आप ये बैठा ना अंदर कमरे के अंदर, बड़ा जो है वो चिल कर रहा है, इधर भाई बाहर ग्राउंड में बैठ के इसके साथ गेम खेल रहा है। कोई नहीं इसका मैं कर लेता हूँ हल। लुक गया, यार एक तो गोलियों का कुप्पा, कम से कम 500 गोलियां छलांगे मार रहा है, ये क्या बात हुई, छलांगे क्यों मार रहा है। लो यार ये तो गलत बात है, पता नहीं नया चक्कर आ गया, कोई छलांगे मारने वाला, मैं भी मारता हूँ छलांगे। यार मैंने नहीं ऐसे गेम खेली, इसने कोई हैक किया हुआ है, 2-4 गोलियां मुझे मारता मैं जाया हो जाता हूँ। इतनी गोलियां मैंने इसको मारी हैं फिर भी नहीं है इसको कुछ हो रहा, इसने कोई ना कोई चीज़ पहनी है ऐसे, तो अपना हो कैच फड़ लिया ही। वाह मी अहमद साहब ने मार दिया, अब नहीं मैं छोड़ूंगा, अब मुझे पता लग गया इसका ट्रिक, ये सामने से आज बड़ा फनकार है। यार मैंने नहीं इसके साथ खेलनी है, तो बिल्कुल मेरी बिस्ती है, साफ साफ बिस्ती हो रही है। स्कोप की यार ट्राई करता हूँ कि स्कोप कैसे मैं खोलता होता था, बल्कि एक दफ़ा इसको मैं मार लूँ, उसके बाद स्कोप खोल के देखता हूँ कि क्या बनती है। एक मिनट इधर छुप के बैठ के देख दूँ, वो सामने नजर आया मुझे, ये मारने लगा भाई, पीछे से मार, ये किधर बंदा जा रहा है। यार एक तो समझ से पाई रहा हूँ, उंगलियों के ऊपर इतना पसीना आना शुरू हो गया, इसका भी कोई हल करता हूँ। सही है अहमद, वो उंगलियों के ऊपर छोटे छोटे ग्लव पहनते, पता था मुझे मारे थे ये, अब इसका मैं इलाज करता हूँ ना।
अब बच के दिखा बेटा, अब मेरा हाथ खुल गया, अब नहीं मैं छोड़ूंगा, अब तो जरा मेरे काबू आना। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं तेरे साथ करता गया, मुझे जरा इधर से टेढ़ा मेढ़ा होके देख लेने दे कि तू आ किस साइड से रहा है। कबूतर जा कबूतर जा। यार मेरे पास टूर्नामेंट होता होता था, मेरे बैग के ऊपर छोटा कार्टून लटका होता था, वो पता नहीं इसके बाद निकालते हैं। अब इसको मैं छुप छुप के इसका मैं ध्यान रखूंगा कि ये करता क्या है, इसका तो मैं इलाज बड़ा सोना करूंगा। आ जरा बार बेटे कितने की अब ये लकड़ियों के पीछे जो जगह है ना अपनी हो गई है पक्की, ये जगह आपके भाई ने खरीद ली है, किसी बंदे ने डिनर डुनर करना हो तो यहाँ पे आगे कर सकता है अपने भाई के साथ। यहाँ पे छुप के इसको मैं ढूंढूंगा अब, इसके साथ देखना मैं करता क्या हूँ। बहुत कुट लिया इसने मुझे भाई, इतना ही बहुत होता है, टाइम होने लगा। यार अब मैंने स्कोप की ट्राई करनी है, स्कोप खोल के हेडशॉट बजता होता था, इस तरह तो हेड ही नहीं लग रहा। देखो ये चीज है ना, फिर ये चीज है कैसा हैवी मामला तू है ना, ये चीज अब इस तरह ही मारूंगा मैं स्कोप खोल के चेक करता हूँ इसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ओह ओके फंस गई पीछे, ओ बेटा स्कोप ही नहीं खुला, स्कोप ही नहीं खुला। ये तो उसने मेरे मुंह के ऊपर मार दी। यार मुझे चाहिए था मैं कोई हेलमेट बनवाऊँ स्पेशल जो उसके बीच में गोली ना जाती हो, क्योंकि अहमद मार ही हेडशॉट रहा है। अगर आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आया ना तो यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि फिर उसके बाद अगर जितने लाइक्स होंगे उस हिसाब से मैं और वीडियो भी अपलोड करूंगा, ताकि यार आप लोगों को फुल एंजॉय के बाद शुरू दिन से मेरी मजे मजे की बात है। ओह वखी च फायर वजा ही आके ये स्कोप भी चलाना आ गया। अब इसके बाद सेटिंग चेंज करके स्कोप भी चेंज करते हैं, और ये मामला जो है इनका मतलब करते हैं पूरा। ये मैंने अपने हिसाब से कंट्रोल्स भी करने, अभी इतना टाइम नहीं, जितनी देर में मैंने कंट्रोल सेट करने के लिए जाने उतनी देर में आपके साथ आके मेरा सफाया कर देना। बड़े मुश्किल मुझे पता नहीं है, सीधा जब सामने हाथ मारता सीधा सर पर गोलियाँ मार के फारक कर देता है एक मिनट में। फिर से कोशिश करता हूँ, नहीं भाई नहीं, अहमद साहब ने नहीं सांस लेने देना, वो पीछे मुझे इसको देखी दे रही है। ना ना मुझे पता था इसके सामने आ जाने का मतलब है फाइनल डेस्टिनेशन, ये आखिरी मंजिल तक लेके जाता है, कोई नहीं इस तरह से रख। अहमद को मारने का तरीका मुझे मिल गया, स्कोप खोल के हेड पे ही मारना पड़ना, फिर ये जाता है। वैसे ये बचत करवा लेता अपनी किसी ना किसी तरीके। कोई नहीं कोई नहीं, फिर आ जरा बेचो बेटा, अब तो नहीं मैं छोड़ूंगा, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। वो लकड़ी को उसको मार गया, मैं गया देखा, मुझे पता था यहाँ पे इसने मुझे फिर से मार देना। कोई नहीं दोबारा ट्राई करता हूँ बाहर जाके। ओह यस नाउ आई एम प्लेइंग लाइक अ प्रो प्लेयर। नहीं नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है यार, बड़ी गेम होती थी, कुछ भी नहीं है, 0% कह सकते हो इसको, जितनी अच्छी गेम किसी टाइम पे मैं खेलता होता था उस वक्त। कोई नहीं कोई नहीं, इसको ढूंढो, पीछे से फायर मार रहा है, पीछे से फायर मार रहा है। ओए होए एमन तो ना, तो एमन ने कहा ना था बिल्कुल, वो पता नहीं क्या बोलता है।
ये तो बंदूक ही बदल के आ गया इसका, तो मैं करता हूँ ना इलाज। ओह ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, अहमद किधर गया, अहमद का नेट गया, वो देखो अहमद फंसा हुआ है। रीलोडिंग, रुक जा गन रीलोड कर, ये ऐसा फुल नेट ला करके इसका नेट बंद ही रहे, इसको तो मैं बताऊँ ना जाके, फिर जाके चेक करता हूँ वहाँ पे है कि नहीं, उधर जाके इसका इलाज करके आता हूँ। आ तो नहीं गया वो, बच गया, नहीं मैच मुझे पता है, अपन गया। चलो कोई नहीं, मार। ओए होए यार अहमद की गेम बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मैं तो इतने सालों बाद खेला, लेकिन एक महीना अगर मैं खेलूंगा या आप लोग लाइक करोगे तो और दूसरों के साथ शेयर करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, तो आपका भाई अपनी गेम ठीक करके ऐसे ऐसे गेम तो वैसे ही खत्म हो गई है कि आप लोग याद करोगे, चस आ जाएगी आप लोगों को। चल अगे बद पे, हार गया भाई आपका, ऐ ये आ गया आपका भाई सामने, नवे कपड़े पहन यार, ये क्या ऊपर आ जाता मिनट बाद, ये आपका भाई सामने आ गया नए नए कपड़े पहन के, आपको डांस करके दिखा रहा है। बस मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, स्पेशल अनाउंसमेंट जो है वो इससे अगली वीडियो में करनी है, वो एक गिव अवे से रिलेटेड है, आप लोग जो है वो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, और जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि इससे अगली वीडियो में अनाउंसमेंट किस चीज़ की। मैं आपको इधर से इतना बता देता हूँ कि यार वो अनाउंसमेंट जो है वो एक गिव अवे की है, पबजी की किसी चीज़ का गिव अवे है, तो आप लोग लाजमी जो है वो साथ रहिएगा, साथ साथ ही मेरे इमोट इंजॉय करें। और बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये देखें कैसे गिटार बजा रहा है, चेक आ रहे हैं सीन्स, ये स्टाइल, ये देखें ना ऋतिक रोशन पूरा बनना है, हमने ऋतिक रोशन तो फिर पूरा बनना है ना, कसर हमने कोई भी नहीं छोड़नी, ये देखें। चलो भाई जान इजाज़त दो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।